गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हेलो अवरीवान वेलकम टू एच पी एग्जाम कंट्री साइड हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जूनियर क्लर्क का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जितने भी स्टूडेंट इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहेगा आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर मैसेज कीजिए मैं आप लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूँगा ठीक है हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो बैच था वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे थे यूट्यूब पे, बट कुछ एक स्टूडेंट की डिमांड आई उन्होंने कहा कि हमें इसको पर्सनली आप लोग पढ़ा दीजिए तो मैं इस बैच को पर्सनली फिर से इसको पढ़ा रहा हूँ तो आप में से जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है ठीक है पूरे बैच की जो फीस रहेगी वो दो रहेगी टू पूरा चार्ज रहेगा ठीक है टू टू थाउजेंड रुपीज में आप लोगों को मैं प्री की भी पूरी कोचिंग दूंगा मेंस की पूरी कोचिंग दूंगा जिसमें आप लोगों का जो टॉपिक रहेंगे वो आप लोग जानते हैं आप लोगों का रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों की इंग्लिश जनरल अवेयरनेस आप लोगों की रहेगी जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर प्लस आप लोगों का हिमाचल प्रदेश जी रहेगा एग्जाम की वैलिडिटी आप लोगों की रहेगी आप जब तक चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यही बैच आप लोगों का आई बी में भी काम आएगा ठीक है तो आप मना नहीं करेंगे आप जब तक चाहें इसको चला सकते हैं क्योंकि मैं अपनी ड्राइव कभी डिलीट नहीं करता हूं वहां से तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो मैं बात करूंगा जितने भी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बता दीजिए कि इसका सिलेबस क्या रहता है किस तरह से हमें इसको पढ़ना है तो एक हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट आप लोगों ने मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगे किस तरह से किसी भी बैच को अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ा जाता है आप लोगों ने बेसिक स्टेप देखे होंगे कि आप लोग अगर उसको डायरेक्टली फॉलो कर रहे होंगे आठ से दस वीडियो अपलोड हुई है हमारी हर एक टॉपिक की तो अभी आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आप लोगों ने इसमें पढ़ना क्या है तो पहले तो आप लोग जानते हैं कि कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड जिसमें हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी वही बात है ठीक है रीजनिंग एबिलिटी आप लोगों की रहेगी जनरल इंग्लिश रहेगी जनरल अवेयरनेस जिसे हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत ही लेते हैं हिमाचल प्रदेश जी के और करंट अफेयर मोस्टली सेक्शन आप लोगों का हिमाचल प्रदेश जी की और करंट अफेयर रहेगा ये आप लोगों ने ध्यान रखना बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे बट इतने ज़्यादा आप लोगों को नहीं पूछे जाएंगे अच्छा अब हम बात करेंगे कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें पढ़ना कैसे पड़ेगा यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे आप लोगों के प्राइमरी टॉपिक है ना एक तरफ मैंने लिखा है प्राइमरी टॉपिक एक तरफ लिखा है आप लोगों के सेकेंडरी टॉपिक टॉपिक अब प्राइमरी और सेकेंडरी टॉपिक लिखने का मतलब ये रहता है कि अगर आप लोगों ने क्वांट या रीजनिंग में अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमें पास होना है और इस जॉब को लेना है या अगर ठीक है तो आप लोगों को इस सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है अगर आप लोगों का सीधा फंडा है कि पेपर ही देने जाना है तो आप लोग जिस तरह पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए है, पहला टॉपिक उठा लो पजल का कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का तो मैं आप लोगों को सिंपल फंडा बता रहा हूँ किस तरह से इसको पढ़ना है कैसे ये एग्जाम क्वालिफाई किया जाएगा क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम आप लोग ये मत समझिए कि आप हिमाचल प्रदेश के अदर एग्जाम जैसे देने जाते हैं उस तरह का एग्जाम होता है तीन सेक्शन में पेपर आप लोगों का आएगा आप लोगों के पास एक टाइम लिमिट होगी हर सेक्शन आपका लिमिट uh, टाइम के लिए ओपन होगा ऐसा नहीं है कि जब मन किया क्वांट के पे क्वेश्चन कर लिए जब मन किया रीजनिंग के कर लिए और जब मन किया इंग्लिश के कर लिए ऐसा नहीं होता है ठीक है तो सीक्वेंस वहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी भी इस तरह से करो कि कुछ फ़ायदा हो आप लोगों का दो तीन महीने अगर आप लोग यहाँ पे किसी एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो आप उसको ठीक से करके जाओ इस चीज़ से वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड या एग्री करेंगे जो ऑलरेडी बैंक की तैयारी कर रहे हैं आप में से कोई भी स्टूडेंट होगा उसका कोई भी फ्रेंड या कोई भी नॉन रिश्तेदार जो भी है अगर वो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उनको मेरी ये वीडियो दिखा देना कि मैं यहाँ पे जो आप लोगों से कह रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है तो आप लोग समझ जाएंगे मैं यहाँ पे ऐसे क्यों लिख के लाया हूँ आप लोगों के सामने क्वान्टिटिक एप्टीट्यूड जो आप लोगों का है जिससे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं देखो इसमें आप लोगों को सबसे पहले स्पीड मैथ पढ़ना पड़ेगा स्पीड मैथ का मतलब होता है आप लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन करना आप लोगों को आना चाहिए तभी आप इन चीजों में आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्टली किसी भी पेपर में आप लोग जाएंगे तो डायरेक्टली किसी भी चीज में डायरेक्टली इनपुट अपने आप को नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ से आप लोगों ने मेरी दस वीडियो देखी होंगी उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बता रखा है कि इस किस तरह से रहेंगे पेड बैच जो रहेगा उसमें मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा और इजी ट्रिक बताऊंगा और स्पीड आप लोगों की इनक्रीज करवाऊंगा ठीक है तो आप लोगों ने सबसे पहले सिंप्लिफिकेशन और करना है एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को लोग से सात क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आएंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन उस बच्चे का ही ठीक होगा जिसका स्पीड मैथ अच्छा होगा जिसको प्लस करना आता है माइनस करना आता है मल्टीप्लाई करना आता है सब कुछ ये सबको आता है बट एक लिमिट टाइम में और बिल्कुल एक्यूरेट किसको करना है वो आप समझ गए होंगे किसको आता है क्वालिटिक इनइवालिटी है आप लोगों की इसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज ये मेंस में पूछी जाती है बट आप लोगों ने फिर भी ध्यान रखना है ये आप लोगों को नंबर सीरीज पूछी जाएगी ये आप लोगों ने पढ़नी है उसके बाद ये तीन टॉपिक जो आप लोगों के हैं परसेंटेज रेशो एवरेज और फिर आप लोगों का निकल जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे ही आप लोगों का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आप जंप करेंगे इन टॉपिक के ऊपर जिसके अंतर्गत आप लोगों के प्रोबेबिलिटी के टॉपिक आएंगे ट्रेन के आएंगे टाइम एंड वर्क के आएंगे इस तरह के सारे टॉपिक आएंगे क्वांटिटी बेस प्रॉब्लम जो आप लोगों के मोस्टली चांसेस है कि आपके इस एग्जाम मेंस में हल्की फुल्की पूछे जाए और डाटा सफिशियंसी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आई क्लर्क और एस मेंस में प्लस टू बेस आपका एग्जाम है तो यहाँ तक शायद ही पहुंचेंगे तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कहा कि ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी जितने टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया अच्छे से कर लो एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से निकलेगा बट सीक्वेंस जो मैंने बताया वो ये वाला रहेगा तो ये थोड़ा आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी तो रीजनिंग एबिलिटी में डायरेक्टली पजल के ऊपर किसी ने नहीं जाना है पज़ल आप लोगों को समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ नहीं आएगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है लेफ्ट ऑफ राइट साइड राइट ऑफ लेफ्ट साइड मिडल साइड सेंटर ऑफ लेफ्ट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को तब समझ आते हैं अगर आप लोगों की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आप लोगों को आती होगी न्यूमेरिक्वालिटी के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं इसके बाद सिलॉक्स ठीक है ये दो टॉपिक अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोगों को बड़े आराम से सिलॉक्स के टॉपिक आएंगे पांच पांच क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन इन सब टॉपिक के आएंगे आप लोगों को आएगी पांच नंबर की ब्लड रिलेशन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इस तरह से तो ये चीजें जो मैंने आप लोगों को कही है इन सबको करने के बाद आप लोगों ने पजल एंड अरेजमेंट के ऊपर पहुंचना है तब आप जाके पजल के क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले बिल्कुल भी पजल को टच मत करना नहीं तो आप लोगों का लॉस होगा वो आप लोग खुद व खुद देखेंगे जब पेपर सॉल्व करेंगे या आप लोगों को कोई भी टीचर ये बोलता है कि पहले दिन ही पजल करनी है तो फिर आप लोग समझ जाइए कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं मशीन इनपुट आउटपुट ऑडिट रीजनिंग ये आ सकती है आपके पेपर में ये शायद ना आए ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है तो ये टॉपिक जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं इनको पढ़ना है इसको अच्छे से पढ़ना है और रिकॉर्डेड रीजनिंग पढ़नी है इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की इजीली आप लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाओगे ठीक है तो ये मेरी छोटी सी वीडियो रहेगी ज़्यादा मैं बड़ी नहीं बनाऊंगा बड़ी अलग से बना दूंगा जो जरूरत होगी क्योंकि समझ जाएंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ इंग्लिश के लेक्चर जो आप लोगों के रहेंगे कम कम्प्लीट आप लोगों की ग्रामर रहेगी ग्रामर अगर आप लोगों की कंप्लीट अच्छी है तो सबसे सब ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को होगा एरर निकालने में एरर निकालने अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहशन अच्छा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग फिलर भी कर सकते हैं आप लोग सेंटेंस अरेंजमेंट भी कर सकते हैं तो कंप्लींट ग्रामर आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है डायरेक्टली नहीं बैठ जाना कि हम तो डायरेक्टली एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है सबसे पहले बेसिक ग्रामर को पढ़ो कौन कौन से टॉपिक है अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो आप लोगों को जानने हैं तो बताना मैं एक वीडियो बना दूंगा बाकी पेड बैच के स्टूडेंट को मैं पहली क्लास में सारा कुछ समझा दूंगा ठीक है इसके बाद आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए बैंकिंग अवेयरनेस करते रहिए हिमाचल प्रदेश जी के करते रहिए ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट देके जाएगी ठीक है तो ये हम अपनी क्लासेस में स्टार्ट कर देंगे मंडे आ, कल से वैसे मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है व्हाट्सएप कीजिए एट थ्री फाइव जीरो नाइन फोर सेवन वन सेवन वन मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी जो आप लोगों का लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था ठीक है तो देखिए सिंपल सी बात है जनरल ई डब्ल्यू एस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइव मैं पहले प्री की बताऊंगा फिर आप लोगों को मेन्स की बता दूंगा तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जनरल की प्री की जो मेरिट गई थी एट्टी गई थी एटी आप लोगों की ई की गई थी सेवेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव आप लोगों की शेड्यूल कास्ट की गई थी और शेड्यूल ट्राइब की गई थी आप लोगों की एट्टी थ्री ठीक है मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो हमारी गई थी तो जनरल की सिक्सटी टू पॉइंट वन फोर इसमें मेंस की रही थी फिफ्टी थ्री पॉइंट टू सिक्स फिफ्टी पॉइंट थ्री एट शेड्यूल कास्ट और लास्ट फिफ्टी टू पॉइंट थ्री नाइन अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझ आई आप लोगों को गैप देखो यहाँ पे कैसे पड़ गया सीधा बीस बीस तीस तीस, तीस नंबर का गैप पड़ा अब ये क्यों गैप पड़ा प्री का एग्ज़ाम इजी आएगा मेंस का एग्जाम टफ आएगा मैंने यहाँ पे क्यों ये चीज़ें आप लोगों को लिखी तो समझ गए होंगे मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बच्चे सिक्वेंस ये रहेगा ये डायरेक्ट सिक्वेंस नहीं है इस तरह से नहीं पढ़ना है आगे जाके देख लो गैप कितना बड़ा आ गया आप के एग्जाम में मेरिट का ठीक है है तो ये ये वही स्टूडेंट जो एट्टी नाइन टू फाइव लेके आए थे ले आए थे, थे जिनके एटी थ्री नंबर आए थे कैसे गैप आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है हर चीज में तो ये आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों का एग्जाम ठीक है इस साल थोड़ी आप लोगों की बढ़ जाएगी सिक्सटी टू से सिक्सटी फाइव चली जाएगी फिफ्टी थ्री से फिफ्टी फाइव फिफ्टी सेवन फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट तक चली जाएगी क्योंकि अबर आप लोगों का क्या है लास्ट ईयर जो आप लोगों का मेंस का एग्जाम हुआ था वो एट्टी फाइव मार्क्स का हुआ था फिफ्टीन मार्क्स आप लोगों के थे वो आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों की होती थी कोई आपके पास सर्टिफिकेट है उसका मार्क्स मिलता था अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने ये वाला रूल आप लोगों का है वो ख़त्म कर दिया है अब आप लोगों का हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा तो मेरिट इस तरह से इंक्रीज हो जाती है ना तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये वाला आप लोगों को फिर भी देखो आप मेरा बैच ज्वाइन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मैं वीडियो में आप लोगों को डाउट सॉल्व करवा दिया करूंगा ठीक है पर्सनली अगर आप लोग कहेंगे कि हमें ये वाली चीज अगर आप लोग कर दो कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता है देखो इस बैच को भी मैं किसी तरह से टाइम निकाल के करवा रहा हूँ तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर दूंगा कि मैं आप लोगों का डाउट जरूर सॉल्व करूंगा बट वो डिपेंड करता है कि मेरे पास भी टाइम होना चाहिए ठीक है जी तो टाइम टू तो टाइम हम यूट्यूब के ऊपर अपडेट रहेंगे मेरा जो फ्री वैच चल रहा है तो उसका जो टॉपिक अभी रिसेंट चल रहे हैं मैं वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वो फ्री वैच बंद कर दूंगा क्योंकि पेड बैच स्टार्ट हो चुका है तो स्टूडेंट फिर आप लोगों को पता है ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप फ्री बैच अब देना बंद कर दीजिए ठीक है जी थैंक यू सो मच